हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, आज हम सब अप्लाइड मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी, जो कि हमारा प्रथम चैप्टर है, उसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी में, ठीक है, पहला चैप्टर जो है उसमें उसका आज हम सब स्टडी करेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए कुछ परिभाषाएँ लिखी गई हैं, डिफिनेशन है, ठीक है। फिलहाल ये हमारा पेपर में तो नहीं पूछता है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए इसे हम बताना चाहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा पूछता है अनुक्रम सिक्वेंसिंग, ठीक है ना, जिसे हम सिक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम को सिक्वेंस, मतलब ये किसे कहते हैं अनुक्रम, ठीक है ना। देखिए, संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, ठीक है, तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, ठीक है, एक अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2, 5, 8, 11, ठीक है ना। देखिए, ये जो है हमारा, देखिए एक समूह के रूप में, ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में सजाया गया है, ठीक है। देखिए जैसे 2, इसमें देखिए 3, इसमें कॉमन है, देखिए ध्यान से, 3 ऐड कर देंगे 5 हो जाता है, फिर 5 में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाता है, एक निश्चित क्रम में सजाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, परिमित अनुक्रम, ठीक है ना, जिसे हम फाइनाइट सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये किसे कहते हैं, परिमित अनुक्रम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, अर्थात हमेशा अंतिम पद उसमें होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमेशा अंतिम पद क्या हो, परिमित हो, मतलब अंतिम पद हमेशा दिया हो, उसे क्या कहते हैं, हमेशा परिमित अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है, अपरिमित अनुक्रम, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट सिक्वेंस, ठीक है। ये देखिए किसे कहते हैं, वे अनुक्रम, ठीक है ना, जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो, अर्थात अंतिम पद न हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जांपल में, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, अंतिम पद नहीं दिया, ठीक है ना। जब भी अंतिम पद किसी श्रेणी में नहीं दिया रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, जिस भी अनुक्रम में मतलब हमारा अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, उसे कहेंगे अपरिमित अनुक्रम, मतलब इनफाइनाइट सिक्वेंस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, चौथे नंबर पे हमारा आता है श्रेणी, ठीक है ना, श्रेणी मतलब सीरीज, ठीक। देखिए दोस्तों, क्या होता है सीरीज, यदि किसी अनुक्रम में सभी पद प्लस या माइनस चिन्ह के चिन्ह से जुड़े हों, तो उसे हम सीरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, 1 + 3 + 5, ये ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, 1 - 3 - 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, डॉट डॉट प्लस करके 25 रह सकता है, माइनस करके भी 25 रह सकता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब फिर आता है हमारा समांतर श्रेणी, ठीक है ना, जो कि हमारा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि किसी श्रेणी में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि प्राप्त हो, तो वह श्रेणी जो होती है हमारी, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। देखिए एग्जांपल में जैसे कहा गया है, प्रथम पद के अलावा, देखिए प्रथम पद है हमारा, ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद का अंतर एक स्थिर राशि, देखिए पूर्ववर्ती पद मतलब इसके आगे क्या है, 3 है, इसको छोड़कर क्या, प्रथम पद के अलावा जो भी पद है उसके पूर्ववर्ती पद का जो अंतर है, मतलब इसमें से इसको घटाने पर देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, इसके अंतर एक स्थिर पद हो, मतलब जो स्थिर पद है उसे उसके आगे ऐड करते चले जाएंगे, और जो भी श्रेणी हमें प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ओके। अब ध्यान दीजिए, हमारे छठे नंबर पर सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखिए ये किसे कहते हैं, पदों में स्थिर अंतर को सर्वांतर कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में, ए मान लीजिए कोई श्रेणी है, जैसे a1 + a2, ठीक है ना, बराबर क्या करते हैं, ए डिफरेंस सर्वांतर का मतलब क्या होता है, देखिए जो ए2 होता है उसमें से a1 को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, और हमारा क्या प्राप्त होता है, सर्वांतर प्राप्त होता है, ठीक है ना, और सर्वांतर को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, d से, ठीक है ना दोस्तों, ठीक ठीक दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बाद में मतलब कोई भी
जैसे कोई पूछ लेता है ना, इसके नॉलेज के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम सोचे कि पहले इसे बता दें, ठीक है ना। इस चार इसके साथ अब ले सकते हैं, ले लीजिए दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में, ठीक है ना। देखिए समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट जितने भी हो गए, जैसे ए प्लस फोर डी भी आएगा, ठीक है ना। ऐसे जितना की हमें जरूरत है उतना ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग है हम लोग अभी जब क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि किससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा समांतर श्रेणी है उसे हम एपी से दर्शाते हैं, ठीक। और जो हमारा समांतर होता है, ठीक है, उसे हम डी से दर्शाते हैं, ओके। अब देखिए जो होता है हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और देखिए एनवा पद जो है हमारा, एनवा पद को ए एन या टी एन से दर्शाते हैं, ओके। और देखिए पदों की संख्या जो है इसे हम एन से दर्शाते हैं, और पदों का जो योग होता है उसे हम एस एन से दर्शाते हैं, और अंतिम पद जो होता है उसे हम एल से दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी देख लीजिए जो इसमें इस पूरे चैप्टर में जो यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब जो समांतर श्रेणी से संबंधित है इसमें जो यूज होने वाले हैं वो उसका जो महत्वपूर्ण सूत्र है इसे देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए एनवा पद मतलब टी एन, ठीक है ना, इसके इक्वल टू जो होता है हमारा सूत्र ए प्लस कोष्टा में एन माइनस वन इंटू में डी होता है, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद, अंतिम पद जब भी पूछेगा तो इसको देखिए अंतिम पद को हम तो किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो एल बराबर होता है टी एन, देखिए ये जो होता है ना हमारा एनवा पद के बराबर होता है सेम, ठीक है ना। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस कोष्टा में एन माइनस वन इंटू डी ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंत से एनवा पद बराबर जो हमारा होता है उसे देखिए, अंत से जब एनवा पद बराबर जो सूत्र होता है हमारा होता है देखिए एल माइनस कोष्टा में एन माइनस वन इंटू में डी होता है, ओके। अब देखिए ध्यान से अंतिम एन पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, देखिए इसको हम जो है एस एन से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके इक्वल होता है हमारा एन अपॉन टू कोष्टा में ए प्लस एल होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अब मैं एन पदों का जो योग होता है, ठीक है, ये होता है हमारा एस एन से प्रदर्शित करते हैं पहले से। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू कोष्टक में देखिए टू ए प्लस फिर छोटे कोष्टक में लिखते हैं एन माइनस वन इंटू डी, ओके दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा दोस्तों कुछ एग्जाम्पल उतारते हैं उसको हल करते हैं, ठीक। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना, इसे देखते हैं और हल करते हैं अच्छे से, देखिए ध्यान से अच्छे समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखेंगे क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है, ओके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ, पहले ए मतलब प्रथम पद क्या दिया है, माइनस एक बटे दो। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या हमें पता करना है, डी बराबर मतलब सर्वांतर। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे हम दोस्तों, देखिए दूसरा पद जो दिया है हमारा मतलब एक बाई टू, ठीक है, उसमें से पहले वाले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है ना। घटाएंगे कैसे, माइनस एक बटे टू दिया ना ऐसे कह देंगे, ठीक है ना। इसके इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्तों वन अपॉन टू माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए हर जब समान रहता है तो इसे ऐसे उतार लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। दो आ जाएगा काटेंगे एक आ जाएगा, मतलब समांतर कितना आ गया हमारा, वन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से और क्या हमें इसमें दिया है, इसमें दिया हमारा मतलब दसवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है मान लीजिए पूछता कैसे, एनवा पद हम लोग पढ़े हैं अभी को, एनवा पद का सूत्र देखिए, एनवा पद एन के जगह पर कितना दिया, टेन दिया, इसका मतलब किसका मान दिया, एन का मान दिया, एन का मान टेन दिया है, ठीक है ना। वहां पद ज्ञात करना है, वहां पद का मतलब टी एन हमें ज्ञात करना है, ओके। देखिए ध्यान से दोस्तों टी एन हमें ज्ञात करना है, क्या करेंगे हम लोग पढ़े हैं कि टी एन बराबर हमारा क्या होता है, एनवा पद बराबर हमारा होता है ए प्लस क्वेश्चन में एन माइनस वन इंटू डी होता है, ओके दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर। और टी एन बराबर हमें ज्ञात करना है, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए के देखिए ए का मान क्या है, माइनस वन अपन टू हो गया, प्लस है प्लस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया, एन माइनस वन, एन का मान कितना दिया हमारा, टेन हो गया, माइनस वन है माइनस वन कर दीजिए, डी का मान देख लीजिए एक आया है एक ले दिया, ठीक है। अब देखिए इक्वल की देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस वन अपन टू, ठीक है, प्लस
10 में समझ गया, 9 हो गया दोस्तों, 1 से गुणा हुआ 9 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसके इक्वल क्या है, देखिए माइनस इक्वल टू 2 प्लस 9 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सीधा हम कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 2 18 बाई 2 इक्वल क्या हो गया, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस इसका मतलब घटेगा, 17 आएगा, ठीक है ना, बटे क्या आ गया 2। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम और भी एग्जांपल लेते हैं इससे बढ़ के भी, ठीक है ना, और हमारे जितने इस चैप्टर के मतलब जो भी हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा इस चैप्टर में दिया सवाल इसी से संबंधित है जो हम लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम